the last topic which we had discussed. Sir, slime mold. Slime mold, general characteristics of slime mold we have done. Yes, sir. We had done that day. So today I'm gonna start. Today I'm gonna start. Shashwat kahan chala gaya? Today I'm gonna start the acellular slime mold. Acellular slime mold in detail. Acellular slime mold. Acellular slime mold is also known as what? Plasmodial slime mold. So what we'll do, करेंगे क्या characters देखेंगे इसका, है ना? Start करते हैं. So last time I have made you watch one video. आपने देखा था कि एक येलो कलर का मास क्रिप कर रहा था आगे की ओर बढ़ते जाता है. तो वो आगे की ओर बढ़ते जाता है by observing some twigs, some organic materials, है ना? जहाँ पे उसको भोजन मिलेगा उस भोजन को खाते खाते आगे की ओर बढ़ता है. एसेलुलर स्लाइम मोल्ड इट इज स्लाइमी नेचर का होता है. स्लाइमी समझते हैं ना, क्रिएचर चिपचिपा सा स्लाइमी क्रिएचर होता है. क्रिएचर होता है फाउंड ओवर ऑर्गेनिक डेब्रिस. ऑर्गेनिक डेब्रिस लाइक leaf, twigs, lumber. Lumber means the wooden log. ठीक है, organic debris मतलब कोई भी मरा हुआ organic material. ठीक है, लकड़ी हो सकता है, फल हो सकता है, चूहा हो सकता है, मेंढक हो सकता है ना, fungus हो सकता है. organic debris, कचड़ा, organic कचड़ा, यही समझ. उसके ऊपर ये ग्रो करता है. इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर, डिप्लॉइड. डिप्लॉइड मतलब समझ रहे हो, यूनिसेलुलर डिप्लॉइड. हाँ, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. मल्टी न्यूक्लिएटेड समझ रहे हो? मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, है ना? ये एक मान के चलिए आपका स्लाइम मोल्ड है, प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड. तो इट विल हैव नंबर ऑफ न्यूक्लिए, इसमें बहुत सारा न्यूक्लिए प्रेजेंट होना, दीज आर न्यूक्लिए. सो इसको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट कहेंगे, सिनोशिपिक कंडीशन कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड. मल्टीन्यूक्लिएटेड स्लाइम मोल्ड. क्योंकि अगला मोल्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है. नेक्स्ट, इट क्रिप्स. क्रिपिंग, क्रॉलिंग. क्रिप का मतलब चलना. हाँ, रेना. इट क्रिप्स बाय, जैसे अमीबा क्रिप करता है, कैसे करता है जी? सिरपोडिया से ना, है ना? सिरपोडिया से क्रिप करता है. आगे बढ़ते हैं. अनफेवरेबल कंडीशन में जब भोजन मिलना बंद हो जाता है तो हर एक प्लास्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है. फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, है ना? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. अनफेवरेबल
unfavorable condition, है ना, this slime mold forms. ठीक सोनी, हाँ हाँ, this slime mold forms the protein body. Okay, protein body. For example, it is the slime mold. ये है plasmodial slime mold. भोजन खत्म हो गया तो क्या करेगा ये? धीरे धीरे फ्रूटिंग बॉडी बनाना शुरू कर देगा. फ्रूटिंग बॉडी लुक्स लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक ना, इस तरीके से. सो दिस एंटायर गोल है उसी में स्पोर्ट करता है, इसके अंदर होगा. कंसिडर करेंगे दिस इज होलो सोकर और इसके अंदर छोटे छोटे मार्बल्स प्रेजेंट है. तो मार्बल रिप्रेजेंट करेगा स्पोर्स को और द एंटायर सोकर विल रिप्रेजेंट द स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम रिप्रेजेंट करेगा ये. सो ये क्या बनाया? स्पोरेंजियम. दिस स्ट्रक्चर, द राउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियम. सर जैसे राइजोपस करता है वैसे? यस, ठीक है. एंडोस्पोर बनेगा, स्पोर जो बनेगा अंदर की ओर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पोर. एक्सोस्पोर्स होते हैं हम बताएंगे, बेसिडियोमाइसिटिस में फंजी. दिस इज स्टॉक, दिस इज स्टॉक, ठीक है, डंडी. दिस इज सराउंडेड बाय ए कवरिंग, ठीक ना, ए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीनिशियस कवरिंग, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिडियम. क्वेश्चन आस्क, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कवरिंग प्रेजेंट ओवर स्पोरेंजियम इन स्लाइम मोल्ड ऑफ ए सेलुलर टाइप, दैट इज पेरिडियम. इसको पेरिडियम कहेंगे, है ना. डन. दिस इज स्पोरेंजियम, दिस इज पेरिडियम, दिस इज अ स्टॉक. ठीक है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर, this entire structure which you can see from here to here, aap yahan se yahan tak jo structure dekh paoge na, theek hai, yahan se leke yahan tak jo structure dekh paoge, is structure ko hum togetherly kahenge sporocarp. We will call it as sporocarp. sporocarp. na ye sporocarp hai, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. इट इज नॉट इंक्लूडेड, दिस मास इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना. स्टॉक एंड द स्पोरेंजियम टुगेदरली कॉल्ड स्पोरोकार्प. सो द स्पोरोकार्प हैज ए कवरिंग जिसको हम लोग पेरिडियम बोल सकते हैं. वन मोर थिंग, इसके अंदर, इस स्पोरेंजियम के अंदर कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. जैसे कि आपने देखा होगा एक 20 रुपीज का या 22 रुपए का बल्ब आता है ना, व्हाइट कलर, या फिर ग्लास वाला जो बल्ब आता है, लाल जलता है, देखे हो कि नहीं? Yes. अभी तो सीएफएल आने लगे हैं, उससे पहले ठीक ना आता है ना एक बल्ब, इसके अंदर फिलामेंट आप देख पाते हो, येलो कलर का ना फिलामेंट देखते हो. हाँ, सो उसी के तरह इसके अंदर कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं. कहा जाता है कि ये एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता होगा अंदर की ओर, ठीक है. इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स, एंड दिस साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स आर कॉल्ड कैपिलीथियम. दिस साइटोप्लाज्मिक थ्रेड इज कॉल्ड कैपिलीथियम. ना कैपिलीथियम. सो चलिए इन सभी का जिक्र कर देते हैं हम. So during unfavorable condition forms the fruiting body, okay, fruiting body known as continue कर रहे हैं उस चीज को, known as sporocarp. ठीक है, sporocarp has sporangium. And stop. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना. Inside, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? तो इसके अंदर मान के चलिए, देखेंगे डायग्राम. इसके अंदर मान के चलिए एक सेल है, ये मान के चलिए एक सेल है,
है ना, इस सेल से क्या होना है, इस सेल के अंदर मियोसिस होगा एंड इट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड स्पोर्स. ठीक है, इनसाइड स्पोरेंजियम haploid spores are produced by meiosis. Meiosis matlab formation of four daughter cells. ठीक ना, reduction only. Okay, formation of daughter cells. एक cell से चार cell बनते हैं. मतलब 2n will convert into n. This is meiosis. ठीक है, with cellulosic cell wall. ये याद रखेंगे, क्वेश्चन यहां से आता है. cellulosic cell wall ये क्वेश्चन आना ही आना है. ठीक ना, सो स्पोर्स हैज सेल वॉल व्हाइल द वेजिटेटिव फेज डू नॉट हैज सेल वॉल. वेजिटेटिव सेल यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, vegetative cell don't has cell wall while jabki spore has cellulosic cell wall. So ye wala character jo hai ye dikh raha hai aapka plant ki tarah, aur jo vegetative portion hai wo dikh raha hai aapka animal ki tarah. Next, आगे देखो. स्पोर वाल डबल लेयर्ड में रहता है ना, स्पोर इज डबल वॉल्ड, मतलब जो वॉल होगा वो डबल लेयर में होना है. सिग्निफिकेंट नहीं है उसका, हटाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्पोर, हम एक स्पोर का डायग्राम बना रहे हैं. ठीक है, एग्जाम्पल दिस इज अ स्पोर, ये एक स्पोर हुआ. ओके, स्कल्पचर्ड है, बनावटी है अच्छे से, है ना. दिस इज स्पोर. व्हाट इज इट्स प्लॉइडी लेवल? एन ना, SPOR स्पोर. सो स्पोर का क्या होगा है? स्पोर का जर्मिनेशन होगा, स्पोर का जर्मिनेशन होना है. ओके, स्पोर का जर्मिनेशन होना है, जर्मिनेशन, एंड इट जर्मिनेट्स इनटू अ सेल दैट इज कॉल्ड मैक्स एमीबी. ठीक ना, ये एक मास बना, मास बना, दैट इज कॉल्ड मैक्स एमीबी. दिस इज हैप्लोइड सेल. मैक्स एमीबा, AMOEBA और मैक्स एमीबा करेंगे इसको, है ना. जर्मिनेशन के बाद कुछ इस तरीके से इरेगुलर शेप का सेल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्स एमीबा. दिस अंडरगोस सेल डिवीजन. ठीक ना, यहाँ पे क्या होना है? माइटोसिस होना है, यहाँ पे माइटोसिस होना है. माइटोसिस होना है यहाँ पे. सो माइटोसिस के चलते क्या बनेगा देखते हैं. माइटोसिस के चलते इस तरीके से सेल्स बनेंगे. एग्जैक्टली इसी तरीके से सेल्स बनेंगे. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे श्वान सेल. श्वान सेल क्या प्रोनाउंस करेंगे? ठीक ना, श्वान सेल और मैक्स एमीबी. सो दिस इज नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल. इसको हम लोग बोलेंगे मैक्स एमीबी, MYXAMOEBAE.
मैक्स एमवी प्रोनाउंस करेंगे, है ना। ओके एक तो मैक्स एमवी बन गया, और यहाँ पे इट विल जर्मिनेट इनटू अनदर टाइप ऑफ सेरोस। इसका जर्मिनेशन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, जर्मिनेशन के चलते ये बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर भी बना सकता है। ओके जर्मिनेशन के चलते ये कुछ बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर भी बना सकता है इस तरीके से, ना इस तरीके से, इस तरीके से बनाएगा ये। अब इसके अंदर भी क्या होगा, मान के चलिए डिवीजन हुआ, माइटोसिस होगा, माइटोसिस के चलते ये भी अपना दो स्ट्रक्चर बना लेगा इस तरीके से। ये फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, तो इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे स्वान सेल। दिस इज नोन एज स्वान सेल, स्वान सेल। नाउ ये स्वान सेल बनाएगा या मैक्सिमो बनाएगा ये कहीं निर्धारित नहीं। इट मे फॉर्म इधर मैक्स अमीबो और इट मे फॉर्म इधर और स्वान सेल, स्वान सेल बनाएगा या फिर मैक्स अमीबो बनाएगा, हमें नहीं पता कौन बन रहा है, ठीक है, लेकिन बनता दोनों। नाउ व्हाट हैपेंस, अब क्या होगा, अब क्या होगा, दिस टू फ्यूजेस टुगेदर एंड सच टू फ्यूजेस टुगेदर। ये स्वान सेल दोनों फ्यूज कर जाएंगे या फिर मैक्स अमीबो दोनों फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूजन के बाद दे बोथ फॉर्म्स जाइगोट, है ना। यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी मतलब कम ऑन टेल मी हू कैन से प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी मींस व्हाट सर, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, नॉट डिवीजन, फ्यूजन। प्लाज्मोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोगेमी मींस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। सो ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। ओके फ्यूजन के बाद बोथ ऑफ देम विल फॉर्म व्हाट, जाइगोट। दोनों क्या बनाएंगे, Z-Y-Z-O-T-E, दे विल फॉर्म जाइगोट। जाइगोट का प्लॉइडी क्या हो जाना है, डिप्लॉइड होना है, है ना। सो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये और ये चारों एक साथ फ्यूज होंगे, मेरा कहने का मतलब है या तो दोनों स्वान सेल फ्यूज होंगे या फिर दोनों मिक्स एमिबो फ्यूज होंगे, और दोनों फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट ही बनाएंगे, है ना। एंड व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट, मतलब पहले ये पहले डिवाइड होंगे। हाँ हाँ यस सी, पहले स्पोर आया, स्पोर क्या हुआ, स्पोर के अंदर जर्मिनेशन हुआ, इधर इट विल फॉर्म मैक्स एमीबा और स्वान सेल। स्वान सेल के अंदर माइटोसिस होगा जिसके चलते दो मैक्स एमीबी बनेंगे, है ना, और ये स्वान सेल के अंदर भी डिवीजन होगा जिसके चलते क्या बना, दो स्वान सेल्स बने, ठीक है, दो स्वान सेल्स बने। दोनों फ्यूज करेंगे, ये दोनों फ्यूज करेंगे, ये दोनों भी फ्यूज करेंगे, ये अलग डायरेक्शन में जाना है, ये अलग डायरेक्शन, लेकिन दोनों क्या बनाएंगे, दोनों अल्टीमेटली बनाना है जाइगोट, दोनों अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, जाइगोट ही बनाएंगे, ठीक है, ओके जाइगोट ही बनाएंगे दोनों अल्टीमेटली। व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ जाइगोट, है ना। नाउ व्हाट हैपेंस, जाइगोट बन चुका, जाइगोट का प्लॉइडी क्या होना है, 2n होना है ना, 2n। अब ये जाइगोट बनने के बाद क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा आपका नॉर्मल प्लास्मोडियम में, प्लास्मोडियम, ओके, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू जर्मिनेट्स इनटू हो गया, ये देखो क्या बन गया, प्लास्मोडियम, हाँ, जर्मिनेट्स इनटू प्लास्मोडियम स्लाइमो और प्लास्मोडियल स्लाइम मोल्ड, ठीक ना, आल्सो फॉलोज माइटोसिस,
टू मेक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, है ना, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन के लिए माइटोसिस भी करता है. ओके, तो ये बन गया आपका. और यही यही जो चीज यहाँ पे जो देख रहे हो, ये वाला, दिस पार्टिकुलर चीज, ठीक है ना, दिस पार्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू फॉलो दिस. ठीक है, बहुत छोटा दिख रहा होगा आप लोगों के पास, कोशिश करेंगे कनेक्ट करने के लिए. दिस विल फॉर्म व्हाट, ये देखिए, ये जाके ये बनाना, यही बनाएगा. फिर से क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स भी प्रेजेंट है छोटे छोटे, इसके अंदर स्पोर्स है ना, स्पोर्स, इसके अंदर स्पोर्स है, और वही स्पोर्स क्या करेगा आगे की ओर जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. डन हो गया, चलिए आते हैं, डायग्राम बनाएंगे आप लोग. नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का ना, ये दोनों गैमेट्स के तरह ही तो एक्ट कर रहे हैं ना. दिस मैक्स एमीबा, ये मैक्स एमीबा, ये मैक्स एमीबा और ये स्वान सेल, दे आर एक्टिंग एज गैमेट्स, ये गैमेट्स की तरह काम कर रहे हैं. यहाँ पे गैमेट्स जो है आइसोगेमस कंडीशन में है कि एन आइसोगेमस कंडीशन में, इट इज इन आइसोगेमेटिक कंडीशन, आइसोगेमेटिक कंडीशन. चलिए इसको थोड़ा समराइज कर दे रहे हैं. स्पोर्स जर्मिनेट्स इनटू फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्वान सेल और नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल क्या, नेक्स्ट एमीबा, एमीबा, ठीक ना. दीज अबव सेल्स, अबव सेल्स एक्ट्स एज व्हाट, किसके तरह काम करेगा, गैमेट्स एंड फ्यूजेस टुगेदर. To form zygote, zygote बन गया, है ना? Zygote further develops into ठीक ना, develops into what? Plasmodium. Yes, plasmodial. Plasmodial slime mold. Plasmodial slime mold. हो गया. Isogametic condition था. ठीक ना, ये बता दे रहे हैं. The gametic condition is isogamous type. Gamete कैसा था? Isogamous. Isogamous type. And you know the meaning of isogamous. हो गया हो गया हो गया, done done. Now इनमें mode of nutrition क्या होगा जी, mode of nutrition, इनके पास chlorophyll तो है नहीं, तो mode of nutrition क्या होना है, heterotrophic. और heterotrophic में भी कौन सा, saprotrophic nutrition. हाँ, saprotrophic, saprophytes, है ना, saprobic, saprobic, saprotrophic, ठीक ना, saprophyte जो भी बोले, ये हो गया. ओके डन, है ना, ओके ओके ओके. चलिए कुछ एग्जांपल दे दे रहे हैं. इसमें बदमाशी हो रहा है मेडिकल में, कोई सुरेश कुमार है आके गाना बजा रहा है. एग्जांपल ऑफ सर, उसको बंद करिए, तो पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट, कोई सुरेश कुमार है, सुरेश, सुरेश ये
किलर रोहन यादव किसी को है ना रोहन यादव नहीं है ना नहीं नहीं सो नो नहीं यहाँ पे हम रोहन यादव लिमिट नो नहीं प्लीज नॉट देर ना अभी जस्ट सुनो इसको रिमूव करने के लिए क्या ऑप्शन इस नाम पर रजिस्टर ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन आता है ना परमिशन सीख कर लो सर इसका नाम ना शायद केस है था सर इमेज केस है था फिर चेंज किया होगा वो लिमिट If they are changing name means they will be in trouble. Okay? 19 कहाँ से आया? 19 साल दिए ना? फिर से ये आ गया. Wait a moment, guys. You have to confirm it. भाई ये लोग ठीक है किसी जिस किसी का भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा यदि है ना तो रिक्वेस्ट मैसेज करेंगे हमें कर देंगे जल्दी से मैसेज या फिर नहीं हो रहा उसके बावजूद भी तो विशाल सर को जल्दी से फोन कर देंगे ठीक है चलिए आते हैं वेर वी कहां पर थे ओके एग्जांपल आई वाज अबाउट टू अटर ना Physarium, Phasarium, एक एग्जांपल काफी है ठीक ना Physarilla is also there. Euphyra. Physarilla. Oligo. ठीक है तो एक ही टैबलेट खाएंगे और ये टैबलेट खाएंगे ठीक है याद रखेंगे इसी को This is all about the acellular slime mold. Next, we'll proceed to cellular slime mold. Cellular slime mold. Cellular slime mold is also known as what? Chrysomycetes. Communal slime mold. Communal इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि community में रहते हैं बेचारे इसलिए. ना डरपोक होते हैं चलिए इसका कैरेक्टर्स देखते हैं ए सेलुलर सॉरी यूनिसेलुलर यूनि न्यूक्लियट कहने का मतलब क्या है सिंगल यूनि न्यूक्लियट वेरी गुड हैप्लोइड हैप्लोइड मींस हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ठीक ना पेयर में नहीं होगा इकलौता ही होगा इसके पास सेल वॉल होगा क्या हैज नो सेल वॉल इज नॉट कैरिंग एनी सेल वॉल बट स्पोर्स हैज सेल वॉल स्पोर्स डू हैज सेल वॉल और स्पोर का जो सेल वॉल बना होगा वो कौन से मटेरियल से बना होगा Very good. Okay.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज एन आईसो एन आईसो गैमिट. सर इसका वेजिटेटिव स्टेज में सेल वॉल रहता है या खत्म हो जाता है? नहीं रहता, नहीं रहता. वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव कंडीशन में सेल वॉल रहता ही नहीं है. सिंपली उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवायरनमेंट को इनकाउंटर करेगा, फेस करेगा, एक्सपोज रहेगा, है ना. कोई सेल वॉल नहीं है उसके पास. चलिए आगे बताते हैं उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज. See, these are considered करेंगे, these are cellular slime molds. ठीक है, एक एक cellular slime molds हैं ये. These slime molds under unfavorable condition. Unfavorable condition में क्या करते हैं? They get aggregated together. है ना, ये aggregate हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक ना, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. दे एग्रीगेट्स टुगेदर एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्यूडो प्लास्मोडियम. उसको हम लोग स्यूडो प्लास्मोडियम कहते हैं. स्यूडोप्लास्मोडियम कंडीशन में लोग जीवित रह रहते हैं, लेकिन जैसे ही फूड एग्जॉस्ट हो जाता है, न्यूट्रिएंट गेट्स ओवर, न्यूट्रिएंट गेट्स ओवर, न्यूट्रिएंट जैसे ही खत्म होने वाला, खत्म होने वाला होता है या खत्म होने लगता है या खत्म हो जाता है, ठीक है, एवरी प्लास्मोडियम सीक्रेट्स सम केमिकल्स, ठीक ना. देन These cells secretes CAM. This is cyclic adenosine monophosphate. ठीक है, cyclic chemical है एक प्रकार का adenosine monophosphate. And aquasin. ये दो केमिकल सिक्रेट करते हैं ये सब, जिसके चलते जो एक एक इंडिविजुअल सेल्स है ना, वो और ज्यादा क्लोज आ जाते हैं. ओके, और ज्यादा क्लोज आ जाते हैं. An acrosin due to which they come closer. यहाँ पे जो आपस आने की जो प्रक्रिया है, that is under the effect of some chemical, and such type of movement is called chemotactic movement. Chemotactic. PIC. Chemotactic. PACTIC. Chemotactic movement. Let me explain what is chemotactic movement. Chemotropic movement कहने का मतलब होता है showing permanent growth towards chemical. Permanent growth towards chemical, that is called chemotropic movement. Chemotactic कहने का मतलब होता है कि मान के चलिए गुड़ है, ठीक ना, तो गुड़ को सूंघते में चींटियां गुड़ के पास आ जाती है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इट्स अ टाइप ऑफ chemotactic movement, chemotactic phenomenon.
तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल दीज ऑल आर स्लाइम मोल्स, है ना, स्लाइम मोल्स थे, सेलुलर स्लाइम मोल्स थे। इन्होंने क्या करा, केमिकल सीक्रेट करा, जिसके चलते क्या होगा, ठीक है, धीरे धीरे ये अपना ओरिजिनल पोजिशन छोड़ के, अपना ओरिजिनल पोजिशन छोड़ के सब एक जगह आके एग्रीगेट हो जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक ना। अल्टीमेटली जो अलग अलग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। सो केमोटैक्टिक मूवमेंट मीन्स मूविंग और शोइंग डिस्प्लेसमेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ सम केमिकल्स। सो याद रखेंगे केमोटैक्टिकली मूव करते हैं और एग्रीगेट बनाते हैं, और वही एग्रीगेट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहें, सीरोप्लास्मोडियम कहते हैं। अब सीरोप्लास्मोडियम भी प्रोटीन बॉडी बना सकता है, नहीं बना सकता है, बताइए, वो हमारा कंसर्न नहीं है। सर केमोटैक्टिक और केमोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस है? केमोट्रॉपिक में दिस इज केमोट्रॉपिक, सर बताए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, ठीक है, इस सेल को कहीं यहाँ पे जाना, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो सही मायने में ये सेल पॉइंट ए को छोड़ेगा नहीं, सिंपली इट विल शो सम ग्रोथ, ये कुछ ग्रोथ शो करेगा, ठीक ना, और बोलेंगे कि ये सेल का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बी तक पहुंच गया, इसको हम लोग बोलेंगे केमो ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। और केमोटैक्टिक होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल, एक प्लेस पे है, इसको बी पे जाना है, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, चलते 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 बी तक पहुंच जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे केमोटैक्टिक। इसने चला, इसने पूरी जर्नी तय करी और जाके यहाँ पहुंच गया, दिस इज कॉल्ड केमोटैक्टिक, इसको केमोटैक्टिक मूवमेंट बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, एक चीज हम बता दें यहाँ पे, जैसे कि सेलुलर स्लाइम मोल्स इकट्ठा हो जा रहे हैं, एक मास बना रहे हैं, और एंड दैट मास कंटेन्स नंबर ऑफ सेल्स, और उन नंबर ऑफ सेल्स को पता चल जाता है कि हमें क्या काम करना है। जैसे हम कम्युनिटी में रहते हैं तो हमें पता रहता है ना कि मेरा रोल क्या है इस कम्युनिटी, उसी की तरह हर सेल को पता चल जाता है कि हमें मेजर रोल क्या परफॉर्म करना है, ना, हमें एंजाइम सिक्रेट करना है या हमें भोजन को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, ये सब फंक्शन जो होता है उन लोगों को पता चलने लगता है धीरे धीरे। तो इस पॉइंट पे कहा गया है कि ये जो कैरेक्टर है ये रिजेंबल कर रहा है फंगस की तरह, क्योंकि फंगस जो होता है मल्टीसेलर होता है, और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में डिविजन ऑफ लेबर होता है, तो कह सकते हैं इट इज मूविंग टूवर्ड्स एडवांसमेंट, एग्रीगेशन होने के चलते इनमें डिवीजन ऑफ लेबर जैसा प्रॉपर्टी आने लगता है, ओके, सो मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, एग्रीगेट सेलुलर स्लाइम मोल शोस डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक ना, इट इज रिजेंबलिंग नेक्स्ट हायर ग्रुप दैट इज फंजाई, ठीक है, फंजाई को रिजेंबल कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये प्लाज्मोडियम की तरह, हाँ बोलो सर, ये प्लाज्मोडियम की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम स्यूडो प्लाज्मोडियम या कोई और कॉन्सेप्ट है? नहीं नहीं वही, हाँ उसी की तरह, क्योंकि इरेगुलर शेप है ना इसी बेसिस पे। सेलुलर स्लाइम मोल्ड आल्सो नोन एज मैक्स एमीबा, ठीक है, मैक्स एमीबा क्या होता है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड और मैक्स एमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में ड्यूरिंग अन
unfavorable condition, it can also form. It can also form cyst. सिस्ट भी बना सकता है. अब मान के चलो वहां पे बहुत सारे प्लाज्मोडियम है नहीं, सीरोप्लाज्म बहुत सारे आपके सेलुलर स्लाइम मोल्स नहीं अकेले है, तो क्या करेगा? सीरोप्लाज्मोडियम तो नहीं बनाना है, वो एक सिस्ट बना लेगा, है ना? सिस्ट बनाएगा और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा उस सिस्ट में से वो बाहर निकल जाएगा. आगे बढ़ते हैं. सूखे कंडीशन में, अंडर ड्राई कंडीशन, सूखे कंडीशन में क्या करता है? इट फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी. यहां पे इट फॉर्म्स, इट किसके लिए है जी? यहाँ पे ये इट किसके लिए है? सेलुलर स्लाइम मोल्ड के लिए. ओके, क्या बनाएगा? फ्रूटिंग बॉडी बनाना है. ओके, फ्रूटिंग बॉडी बनाना है और उस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्ड स्पोरोकार्प. इस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग स्पोरोकार्प कहेंगे. होल्डिंग ए स्पोरेंशियम, है ना? फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका सेलुलर स्लाइम मोल्ड. ओके, एंड इट हैज फॉर्म व्हाट? अ फ्लोटिंग बॉडी. दिस फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? स्पोरेंजियम. इसको स्पोरेंजियम कह रहे हैं. एंड दिस स्पोरेंजियम प्रोड्यूसेस अ स्पोर, एंड दैट स्पोर्स आर व्हाट? हैप्लोइड स्पोर्स. और यहाँ पे कोई वॉल नहीं है, ठीक ना? नो स्पेशल वॉल. जैसे कि वहां पे था ना प्रीवियस वाले में, इन केस ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड वी हैव ऑब्जर्व्ड द पेलिकल, नॉट पेलिकल, द पेरिडियम. पेरिडियम देखे थे, पेरिडियम वाज अ स्पेशल वॉल, लेकिन यहाँ पे कोई पेरिडियम नहीं रहता है ना. सो स्पोर्स बनेंगे, हटाइए, यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं है. स्पोर्स यहाँ पे हैप्लोइड है और ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड की प्लॉइडी भी हैप्लोइड है, ठीक ना? हैप्लोइड है और इसको बहुत सारा हैप्लोइड सेल्स बनाना है. तो ये कौन सा डिवीजन करेगा जी? कौन, टेल मी हु कैन से? हैप्लोइड मदर बॉडी है, हैप्लोइड है मदर बॉडी. फॉर एग्जांपल दिस इज सेलुलर स्लाइम मोल्ड और स्पोर बनाना है, इसको हैप्लोइड स्पोर बनाना है. तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? टेल मी विच टाइप ऑफ डिवीजन विल टेक प्लेस हियर? मियोसिस और माइटोसिस? कम ऑन, टेल मी. माइटोसिस. कुछ खास नहीं है, यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं आता है. आते हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे. सो होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज one maximoi, this is another maximoi, this is another. Bahut sare maximoi hai. Maximoi kehne ka matlab yahan pe kya hai? I'm talking about what? Cellular. Maximoi ya fir, yes, very good, cellular slime mold. Theek na? Now sexual reproduction means what? I must have two cells na. दो सेल्स तो चाहिए ही चाहिए. सो व्हाट हैपेंस हियर? कोई एक, फॉर एग्जांपल दिस इज वन, ये क्या करेगा? इसको खा जाएगा, दो को खा जाएगा, इनगल्फ कर लेगा, है ना? दिस ए विल इनगल्फ बी, दिस अल्फा विल इनगल्फ दिस बीटा, है ना? एक मैक्सिमेबी दूसरे मैक्सिमेबी को इनगल्फ कर लेगा. सो व्हाट विल हैपन? टेल मी, हो क्या रहा है? One cells कम हो रहे हैं. हाँ, one maximum way engulfs another. So maximum दोनों में form होता है. हाँ हाँ
सर सेम फॉर्म होता क्या है इसका, नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है तो इसको मैक्समोबी प्रोनाउंस करते हैं अब, एंड मोर ओवर दिस इज हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है, और वहां पे भी जो मैक्समोबी बन रहा था वो हैप्लॉइड ही है लेकिन वो स्पोर से बन रहा था, और इसका पूरा का पूरा बॉडी ही मैक्समोबी है। ओके सर, इसलिए जिसको सेल स्यूडो स्यूडो क्या बोलते हैं इसको, प्लास्मोडियल स्लाइम, प्लास्मोडियस, स्यूडो प्लास्मोडियल। So one max amoeba will engulf the another max amoeba. अब मान के चलो आपके पास क्या हो गया, एक max amoeba जब दूसरे को engulf कर लेगा, means what? This is one cell, this is another cell. ये haploid है, ये भी haploid है. जब ये इसको खा गया तो क्या होगा? अब मान के चलो कुछ इस तरीके से cell बनेगा. Now this is two max amoeba, लेकिन एक ही body के अंदर present है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से structure होगा. पहले यहाँ पे होना है plasmogamy. Plasmogamy means what? Fusion of, come on, plasmogamy means fusion of cytoplasma. Cytoplasm. यहाँ पे अभी karyogamy नहीं हुआ है ना, karyogamy नहीं हुआ. Further the karyogamy will occur. Karyogamy हो गया. So because of karyogamy what will happen? Nucleus. है ना? अब इसको हम क्या कहेंगे? 2N कहेंगे. आप लोग डिफरेंस पकड़ पा रहे हो कि नहीं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन n प्लस n एंड 2n? यस सर, यस सर. ओके गुड. नो व्हाट हैपेंस, नो व्हाट हैपेंस, ये मान के चले ये एक प्रकार, इट इज रिजेम्बलिंग द जायगोट, इट रिजेम्बल्स जायगोट, ये जायगोट को रिजेम्बल कर रहा है. फर्दर इसके अंदर डेवलपमेंट होनी है और एक हार्ड कवरिंग बन जाना है इसके ऊपर, एक हार्ड कवरिंग बन जाना है इसके ऊपर, जिसके चलते इस जायगोटिक वाले स्ट्रक्चर को हम बुला सकते हैं, ठीक है, एक स्पेशल नाम दे सकते हैं, मैक्रोसिस. एक कवरिंग बनेगा, एक दिस इज 2N, इसको zygote ही बोलेंगे, है ना, zygote. And इस zygote के अंदर कौन सा डिवीजन होना होगा जी? Come on, tell me. हमें प्रोड्यूस करने हैं यहाँ पे बहुत सारे max MAB. And we know that the ploidy of max MAB is what? Meiosis. Yes, 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 very good. A M O E B A. ठीक है, मैक्स एमओवा बनाना है हमें, एंड वी नो दैट द प्लॉइडी ऑफ मैक्स एमओवा इज एन. सो जायगोट मतलब ये जायगोट पहले नहीं बना, बाद में बनता है. क्या क्या जायगोट? यस टेल मी. इट रिसेम्बल्स जायगोट, 2N के नीचे जो लिखे हैं. हां तो मतलब ये जायगोट नहीं बनता है, थोड़े देर बाद बनता है. हां तुरंत नहीं बनता है, यहां पे जायगोट नहीं बना, यहां पे जायगोट नहीं बना है. यहाँ पे जायगोट नहीं बना अभी, n प्लस n ही कंडीशन है. जब फ्यूज कर जाएगा, जब फ्यूज करेगा, ये भी प्रोसेस में है, ये भी अभी प्रोसेस में, ये भी प्रोसेस में, यहाँ पे प्रोसेस आके 100% कंप्लीट हो गया, नहीं ना, 100% आके कंप्लीट हो गया, इसीलिए हम इस स्टेज को जायगोट कहते हैं. और इस स्टेज को अभी जो जायगोट नहीं बना है उस स्टेज को हम लोग मैक्रोसिस्ट कह सकते हैं. अभी ये आधे रास्ते पे, ओके, मैक्रोसिस्ट है. और जब 100% 100% न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा तब कहेंगे जायगोट, है ना, 100% जायगोट फ्यूज कर गया तब उसको जायगोट कहेंगे. सो ये रहा मैक्स एमओवी. तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होना है? ऑब्वियसली मेयोसिस. क्या पत्ती भी एक प्लास्टिक में, चीनी भी एक प्लास्टिक में टांगन है, है ना, ये हो गया आपका मेयोसिस. लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया यहाँ पे. उसके बाद फिर से क्या फॉलो करेंगे? फिर से इनको एग्रीगेट होना है तो वही केम और एक्रोसिन सीक्रेट करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो एक एक मैक्सिमम भाई दूसरे मैक्सिमम को खा जाएगा, प्लाज्मोगेमी होगा. प्लाज्मोगेमी के बाद जो सेल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे मैक्रोसिस्ट. उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, देन वी विल कॉल इट एज जायगोट. चलो अभी नहीं होता.
उसको जाएगा सर पूरा स्क्रीन पे दिखाइए ना फिगर तो की बता रहे मैक्रोसिस्ट न्यूक्लियस इन फ्यूजिंग स्टेज सर माइक्रोसिस्ट क्या होता होगा मैक्रोसिस्ट मान के चलिए एक टेम्पररी सर ये नहीं सर सर माइक्रोसिस्ट क्या होता होगा माइक्रो भी होना चाहिए ना जब ये माइक्रोसिस्ट कहने का मतलब छोटा स्ट्रक्चर होगा और क्या ठीक है माइक्रो कहने का मतलब बड़ा साइज होगा ठीक है माइक्रो कहने का मतलब छोटा साइज ओके माइक्रोसिस्ट आई डिडन एनकाउंटर्ड इट ये भी हो सकता है माइक्रोसिस्ट कभी कभी माइक्रो शब्द हम लोग यूज करते हैं मेल के लिए और माक्रो यूज करते हैं फीमेल है ना क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है और ज्यादातर रिप्रोडक्शन में रोल रहता है फीमेल का इसलिए हम माक्रो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए जैसे कि मेगा गैमेटोफाइट माइक्रो गैमेटोफाइट माक्रो और मेगा शब्द हम लोग यूज करते हैं फीमेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए मेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए माइक्रो शब्द हमेशा हम लोग यूज करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए पोलन प्रोडक्शन के लिए माक्रो शब्द यूज कर सकते हैं मेगा शब्द यूज कर सकते हैं हम लोग ओवा प्रोडक्शन के लिए तो यहाँ पे भी माक्रो शब्द बड़ा शब्द यूज हो रहा है इट मीन्स कहीं ना कहीं फीमेल से रिलेटेड शुरू से कहाँ से बताए हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हुआ से दीज आर व्हाट दीज आर योर यूनिसेलुलर हैप्लोइड मैक्सेमेवे हुआ क्या एक मैक्सेमेवे दूसरे मैक्सेमेवे को खा जाना है ना खा गया खाने के बाद क्या हुआ प्लाज्मोगेमी हुआ प्लाज्मोगेमी के चलते एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर बना जिसको हम लोग माइक्रोसिस्ट बोल रहे हैं न्यूक्लियस अभी फ्यूज होना है ना फ्यूज होना है यहाँ पे कैरियोगेमी कंप्लीट हो गया यहाँ पे बोल सकते हैं कैरियोगेमी कैरियोगेमी कंप्लीटेड कैरियोगेमी कंप्लीट हो गया तो अब इसको जायगोट बोल रहे हैं अब इस जायगोट के अंदर मियोसिस हुआ मियोसिस के चलते ओके एक जायगोट है एक बार मियोसिस होगा तो कितने सेल बनेंगे चार सेल बनेंगे ना तो हम यहाँ पे कितने सेल बनाए 1 2 3 14 हाँ तो इसके लिए कितना जायगोट होना पड़ेगा कितने हो गए जी 4 16 हो गया ना ये 16 मैक्सिमम आ गया कितना जायगोट होगा यहाँ पे 4 जायगोट होना चाहिए चलिए अब पूछेंगे कमान पूछेंगे कहाँ मिक्सिमम है हाँ जी पूछिए तो सर इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते होंगे जिसमें अपने आप को मतलब पॉलीगैमी करके रिप्रोड्यूस प्लाज्मोगैमी करके फिर हां दैट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां मेंशन किया है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं सो क्वेश्चन कहां-कहां से आता है क्वेश्चन आता है यहाँ से प्लाज्मोगेमी हुआ फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म कैरियोगेमी मींस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस मैक्रोसिस्ट एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जहाँ पे कैरियोगेमी 100% अभी हुआ नहीं है ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड है सेक्सुअली बनने के लिए उनमें कौन सा डिविजन होगा मियोसिस ठीक है ये पूछेगा इसमें और कुछ ज्यादा नहीं पूछता है बस यही पूछेगा कि सेल वॉल कब प्रेजेंट है तो हम जानते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होगा कौन से स्टेज में स्पोर वाला स्टेज स्पोर में हाँ यही पूछेगा ओके फ्रूटिंग बॉडी में सेल वॉल होता है कि नहीं होता है वो पूछता है और ज्यादा कुछ खास नहीं पूछता है ना तो पायरोसिस्टिस जो बताए थे नाम वो याद रखेंगे और इसके अंदर भी हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं एग्जांपल ऑफ
सेल्युलर स्लाइम वॉल। सेल्युलर स्लाइम वॉल का एग्जांपल है डिक्टियो, ये एग्जांपल याद रखेंगे। नहीं पूछता है, बहुत रेयर क्वेश्चंस में से पूछा जाता है। और हम ये रिपीट भी कर चुके हैं लास्ट क्लास में, फिर हम बता दे रहे हैं, स्लाइम मोल्ड रिजेम्बलिंग किस किस चीज को रिजेम्बल करता था जी? फंजाई को, प्लांट को और एनिमल्स को। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन यही से आते हैं, लाइफ साइकिल से नहीं आएगा। श्वान सेल से आता है, मैक्सिमिबा सेल से आता है, आइसोगेमस कंडीशन है वहां से आता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नाउ टेल मी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्लाइम मोल्ड व्हिच वाज रिसेम्बलिंग ड्यू टू व्हिच वी कैन से दैट इट इज अ रिसेम्बलिंग फंजाई। क्या था? किस प्रकार का सेल वॉल? सेल्युलोसिक। Cellulosic cell wall in which condition? In spore. Or animal wala character kya tha ji? Absence of cellulosic cell wall. Very good. Padh rahe ji tum log to? Khush ho gaya. In vegetative state. Vegetative stage. Done. इतना ही याद रखना, ओके? बाकी भूल जाएंगे, हटाएं। चलिए, प्रोटिस्टा में आखिरी ग्रुप हम लोगों को करना है। The last group in protista is protozoan. Protozoan, ओके? ZOANS. ठीक है, खत्म करते हैं। 10 मिनट में हो जाएगा ये। बहुत कुछ है, हम चार चीज बताए थे ना प्रोटोजोन्स के अंदर, सार्कोडिन्स याद आ रहा है, सिलिएट्स, बाइफ्लेजलेट्स और डाइनोफ्लेजलेट्स, नॉट डाइनोफ्लेजलेट्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, डाइफ्लेजलेट्स कुछ बताया था। सो जो प्रोटोजोन्स हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में मेंशन है, वो चार प्रकार का प्रोटोजोअन है। बेसिक कैरेक्टर बता देते हैं क्या है ये। सो दीज आर कौन, यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर होंगे जी? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे। अंडर विच किंगडम, फॉलोइंग अंडर विच किंगडम? प्रोटिस्टा। फॉलोइंग अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। Which type of nutrition they follows? Holozoic nutrition. ठीक है, heterotrophic बोलेंगे हम लोग, okay? heterotrophic mode of nutrition. Done. ये बिलीव किया जाता है, ये माना जाता है कि ये पुराने रिलेटिव से आए। इस बिलीव दैट they are the primitive relatives of
रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके पास सेल वॉल होता ही नहीं, सिंस दे लैक व्हाट सेल वॉल सिंस दे लैक सेल वॉल, क्योंकि इनके पास सेल वॉल होता ही नहीं। नाउ हम कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं जो प्रोटोजोअन एनसीईआरटी में मेंशन है उन सभी के बारे में। चलिए टेबल बनाते हैं। प्रोटोजोआ को चार ग्रुप में हम स्टडी करेंगे। देखते हैं वो चारों ग्रुप क्या क्या है। एमीबॉइड, एमीबॉइड, प्रोटोजोआ, देन फ्लैजिलेटेड। नाम से कुछ पता चल रहा है जी? प्रोटोजोआ, सिलिएटेड, एंड स्पोरोजोन्स। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, कोई भी चीज को हमें स्टडी करना होता है तो उसका कुछ कैरेक्टर देखेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि रहता कहाँ पर है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे हैबिटेट। ओके, हैबिटेट। सो टेल मी द हैबिटेट ऑफ एमीबॉइड प्रोटोजोआ। एमोवा कहाँ कहाँ रहता है जी? एमोवा कहाँ रहेगा? फ्रेश वाटर। ओके, वेरी गुड। फ्रेश वाटर, सी वाटर, समुद्र में भी पाया जाएगा। मॉइस्ट सोयल में रहेगा। ओके, फ्यू आर पैरासाइट। पैरासाइट कहने का मतलब किसी होस्ट में रहेगा, नुकसान पहुंचाएगा। फ्लैजिलेटेड को देखते हैं, फ्री लिविंग है ये। फ्री लिविंग कहने का मतलब किसी पे निर्भर नहीं रहेगा। फ्री लिविंग, एक्वेटिक और पैरासाइट, ये भी पैरासाइट हो सकता है, बहुत कम होते हैं पैरासाइट नेचर के, पैरासिटिक। नाउ ये कहाँ रहेगा? सिलिएटेड, फ्रेश वाटर में। यहां से क्वेश्चन आता है जी एनसीईआरटी का लाइन में, फ्यू आर पैरासाइट ये, ऑल एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट का मतलब लिविंग इनसाइड बॉडी। एंडो पैरासाइट का मतलब ये हमेशा किसी होस्ट के अंदर ही रहेगा, हमेशा किसी होस्ट के अंदर ही रहेगा और उस होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। सो पहला प्रॉपर्टी तो हो गया रहने वाला। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं लोकोमोशन और लोकोमोटिव और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखते हैं जी क्या क्या है। अमीबा कैसे मूव करता है जी? स्यूडोपोडिया। अब हम यहाँ पे लिखे हैं दूसरे वाले पे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, तो ये किस माध्यम से मूव करेगा जी? फ्लैजेला। फ्लैजेला, फ्लैजेला। ओह माय गॉड, बैटरी खत्म हो गया जी। तो 42% बैटरी में नहीं है भाई, आप लोगों को दिख रहा है क्या? यस सर, 42% दिख रहा है। अरे 42% वो टैबलेट में है, पेंसिल में है।
ठीक है, पेंसिल ऑल्सो होल्ड सम पावर ना, पेंसिल का बैटरी खत्म हो गया. ओके यहाँ पे लिख लेंगे जरा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या क्या मिली को कहा ऑप्शन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है. मिली कहाँ से गायब हो गई थी, ये लोग नहीं थी क्या, ये बैटरी खत्म हो गया इसका, क्या करें अभी, मेरे को चाहिए कुछ देर के लिए, लाइए ना उधर से कुछ कनेक्ट करिए. सर उंगली से आया था नहीं, सर टाइप करके बता दीजिए. सर मिली जब मुकेश जा हो गया, क्या बोल रहे मेक ऑफ कर लो सब लोग. हेलो यस सर. हाँ ठीक है, चलिए बैटरी चार्ज पेंसिल का बैटरी चार्ज कर रहे हैं. कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर. हाँ इसके अंदर लिख लेंगे आप लोग जरा, फ्लैजिला लिख लेंगे. लिख लिए फ्लैजिला, लिख लिए. आई कैन राइट विथ माय यस सर फिंगर. हाँ इसमें लिख लेंगे, इसके अंदर जो सिलिएटेड प्रोटोजोआ इसके अंदर क्या होगा, सीलिया. सीलिया. What about these sporozoans? इसमें लिखेंगे locomotion is absent. So, वो creep नहीं करता है वो? ना, creep और कुछ नहीं करता है, यो कुछ movement ही show नहीं करता है. ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे absent. अब आ जाएंगे तीसरा key में, आ जाएंगे third key. Third key, third key में लिखेंगे special features. सर, sporozoans में क्या लिखेंगे? स्पोरोजोन्स पे लिखेंगे एब्सेंट, एब्सेंट लिखेंगे, ए बी ए सी एन टी एब्सेंट. न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन नहीं, ए बी ए सी एन टी. लोकोमोशन की जिक्र कर रहे हैं ना हम लोग अभी. सर नेक्स्ट फीचर वो. अच्छा हाँ नेक्स्ट फीचर बताते हैं. नेक्स्ट फीचर क्या है, नेक्स्ट फीचर इज अ स्पेशल फीचर. कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या, वो देखते हैं इन सभी का. ठीक है, तो देखते हैं सबका स्पेशल फीचर्स. सिलिया शेल इन सम फॉर्म, सिलिका शेल, एस आई एल आई सी ए, सिलिका शेल इन सम फॉर्म. ठीक है, एमोबा और एमोबा की कैटेगरी है, उसके अंदर कुछ मटेरियल्स प्रेजेंट रहते हैं जो सिलिका से बना हुआ रहता है, ये इसका खासियत हुआ. आई एम मूविंग फर्दर. हाँ इट शोज लार्ज नंबर ऑफ इंट्रैक्शन, शोज लार्ज टाइप ऑफ, नहीं वेरियस टाइप ऑफ ज्यादा सही रहेगा, बता रहे हैं क्या होता है वेरियस, शोस वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन. इंटरैक्शंस विद अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक ना, such as like commensalism. You know what is commensalism? No sir. Okay, आपने देखा होगा गाय भैंस को घास चरते हुए, देखो कि नहीं. हाँ yes sir. देखिए वो उसके पीछे पीछे कुछ घूमता है.
पक्षी को देखे हो कि नहीं? चिड़िया घूमता है, यस, उसके पीठ पे आके बैठ जाता है। चिड़िया उसपे आके बैठता है, ठीक है, भैंस के ऊपर बैठता है। देखते हो कि जैसे ही गाय भैंस आगे चलती है, घास शेक करता है, तो उसमें से कीड़े निकलते हैं। हाँ, छोटे छोटे, यस, हाँ, छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। उस कीड़े को बगुला वगैरह खाते हैं, कौवा वगैरह खाते हैं। तो इसमें कौवा को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? क्रो को बेनिफिट हुआ है ना, एक काऊ को बेनिफिट हुआ क्या? नो सर। तो इस प्रकार के इंटरेक्शन को, इस प्रकार के इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं कमेंसलिज्म। तो ये जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स है, ये कमेंसलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, सिम्बायोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। सिम्बायोसिस कहने का मतलब दोनों को प्रॉफिट हो, दोनों ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट हो, दोनों को प्रॉफिट होता है। कमेंसलिज्म कहने का मतलब एक को प्रॉफिट हुआ और एक को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, लॉस, कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं हुआ। सिम्बायोसिस में क्या हुआ? दोनों को प्रॉफिट। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट पैरासिटिक? सर, एक को प्रॉफिट, एक को लॉस। एक को लॉस, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक ना। तो इस प्रकार का स्पेशल फीचर्स रहता है इसका, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स का। अब हम जिक्र करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स का, है ना। तो इट फॉलोस, एक फॉलोजोइक टाइप ऑफ प्रोटोजोअन, फिनिश। इधर आते हैं सबसे लास्ट वाले भाई साहब के पास। तो ये सबसे नोटोरियस होते हैं, ठीक ना, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस मलेरिया इन्हीं के चलते होता है जी, पोर लाइफ होते हैं, पोर की तरह होते हैं, पोर लाइक स्टेट प्रेजेंट इन, क्लास 12 में पढ़ोगे लाइफ साइकिल, इसका स्पेशल फीचर हो गया, पोर का स्ट्रक्चर बनाएगा अपने लाइफ साइकिल में, ठीक है। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, the fourth property, example or uses, example or importance or disease, तो ये सब पॉज करेंगे। अमीबा, एंट अमीबा, दिस इज वन एग्जांपल, एक्टिनोफिश, ठीक ना, एंट अमीबा, AMOEBA, ठीक ना। और एक डिजीज कॉज करता है, that is disease name is dysentery, amoebic dysentery कहते हैं, ये एक disease होता है, ठीक है, amoebic dysentery। यहाँ पे इसका example दे रहे हैं हम, flagellated का, trypanosoma, सबसे ज्यादा example, सबसे ज्यादा question पूछने वाला यही example है, trypanosoma, so less man, yeah, trypano, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं इसको, ठीक है। इट कॉजेस व्हाट? स्लीपिंग, ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। सर, इसमें सिर्फ नींद ही आता है क्या? हाँ, ब्रेन में, ब्रेन ज्यादा रेस्ट करता है, ठीक है। हमको बहुत ज्यादा नींद आता है, नहीं तो इसका मतलब नहीं है कि तुम्हें हो रखता है। इसमें पैरामीशियम होगा, ठीक है, इसमें कोई डिजीज नहीं है, हटाएंगे। और इसका एग्जांपल दे रहे हैं हम प्लास्मोडियम,
प्लास्मोडियम सबसे ज्यादा नोटोरियस होता है एंड इट कॉजेस व्हाट मलेरिया मलेरिया ठीक है मलेरिया कॉज करेगा तो ये एग्जांपल्स हो गए दीज आर एग्जांपल दीज आर डिजीज ये डिजीज हो गए ये डिजीज हो गया ये डिजीज हो गया ये डिजीज हो गया ये डिजीज हो गया ये भी डिजीज हो गया है ना बाकी सब एग्जांपल्स बाकी सब एग्जांपल्स ठीक है सो यहाँ पे आपका इनका कैरेक्टर खत्म होता है नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ड्रॉ एंड लेबल इट लेबल लेबल द डायग्राम ऑफ पैरामीटर आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा आप लोग का काम है कि पैरामीशन ड्रो करोगे और लेबल करोगे है ना पैरामीशन ढूंढ पाओगे यस सर हाँ सर बन जाएगा ठीक है तो एकदम कलरफुल डायग्राम हमें बना के दिखाओ और एक चीज इसमें जरूर मेंशन करोगे कि पैरामीशियम हैज इट हैज टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस ठीक है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस ठीक ना मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस इसका डिवीजन होता है माइटोसिस से जब भी ये डिवाइड करेगा ये माइटोसिस या मियोसिस फॉलो करता है ठीक ना ये ए माइटोसिस फॉलो करता है ना याद रखोगे फॉर एग्जांपल यदि हम देखते हैं अभी मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है सर आप इसको नोटोरियस क्यों बोल रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बदमाशी करता है सबसे ज्यादा डिजीज कॉज करता है पैरामीशियम डायग्राम है ना तो एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे बेस्ट डायग्राम देख रहा है क्या स्लीपर शिप का होता है सबको पता है ना कलरफुल डायग्राम बनाएंगे अच्छे से लेबल करेंगे मुझे आ रही है दिखाता चला गया हाँ ये कुछ अच्छा दिख रहा है हाँ ये अरे यार डायग्राम देख पा रहे हो ना बहुत सारा यस सर हाँ ये दिख रहा है ये बहुत छोटा सा है और जिसमें नेमिंग हो मैक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस देख पा रहे हो ना मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस ये रहना ही रहना है ओके सेल वॉल नहीं है पेलिकल्स प्रेजेंट है और याद रखेंगे इसका जो डिवीजन होता है इसमें जो डिवीजन होगा बाइनरी फ्यूजन इज ऑफ ट्रांसवर्स टाइप मतलब ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है कहने का मतलब क्या है फ्रॉम द ट्रांसवर्स सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शंस हो बीच से वो अलग होता हां ठीक है इट गोना फॉलो व्हाट ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन ठीक है क्या होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन एक छोटा सा डायग्राम बना रहे फॉर एग्जांपल लैटिट्यूड टाइप में हां फॉर एग्जांपल दिस इज द पैरामीटर है ना तो यहां पे जो डिवीजन होगा ना वो इस प्लेन से होगा इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन यूग्लिना में कैसा हुआ था जी longitudinal है ना ओके चलिए तो
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंजाई। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फंजाई मिस नहीं करेंगे, है ना, मिस नहीं करेंगे। आई एम गोना स्टार्ट फंजाई फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। सर इसके डायग्राम में कुछ पेलिकल है, उसका क्या फंक्शन है? पेलिकल दैट इज एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट ओवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे यूग्लिना में प्रेजेंट था ना, जैसे यूग्लिना में प्रेजेंट था। ठीक है।